मॉर्निंग। ये सुबह सुबह एक प्यारा सा बच्चा आइसक्रीम खा रहा है। अरे अरे अरे, आज तो किसी का दांत गिर गया। बहुत अच्छे लग रहे हो अली, बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं आपके लिए ना खर्च किया करूं? क्यों? तो फिर मैं, फिर अल्लाह ने बच्चा दिया है तो अल्लाह कहता है कि बच्चे पे पैसे खर्च करने चाहिए, क्यों? क्योंकि फिर वो बच्चे के पैसे होते हैं, नहीं तो वो कहीं और खर्च हो जाएंगे। देखा है मम्मा, आपकी मम्मा ज़कात भी देती हैं माशाल्लाह, हम वो सदका भी देते हैं, खैरात भी देते हैं, तो अपने बच्चों पे भी पैसे खर्च करने चाहिए और फैमिली पे भी, है ना। ईमान, एक लेडी का मैसेज आया है कि वो सिर्फ अली के लिए वीडियोस देखती हैं, तो फिर हम निकल ही जाते हैं वीडियो में से, क्योंकि अली की ही वीडियो लोग देखते हैं, हमें तो कोई देखता भी नहीं है, कोई प्यार ही नहीं करता, सिर्फ अली को ही लोग प्यार करते हैं। तुम फनी हो और हम क्या है, हम भी फनी है तो फिर भी हमें कोई नहीं देखता, अब हम बुढ़े हो गए अली। अच्छा जी, सर्दियां खत्म होने वाली हैं तो सेलों पे सेलें लगी, तो हमने कहा कि हम क्यों पीछे रह जाएं, ऐसा ना हो कोई सेल हमारे हाथों से मिस हो जाए। और पहले हम ढूंढते हैं एक मैजिकल चीज, मैजिकल चीज। मुझे लगता है ये टूथ फेरी लाई है ईमान, टूथ फेरी लाई है ना, तुम्हें भी यही लग रहा है ना ईमान? मुझे भी लग रहा है, मुझे दांत पे रखा है ना दराज में, उसके बदले टूथ फेरी ने ये गिफ्ट दिया है आपको। हाँ जाओ कैंची तो लेके आओ, इसको काटेंगे गुस्से। अली का प्यारा सा परफ्यूम आया है और ये टूथ फेरी लेके आई है। अली आओ भाई आओ, इसको जल्दी से हम निकाल के देखते हैं। और है क्या? कितना चलाक हो, कह रही हो और है। पहले कह रहे थे कि मम्मा इतने पैसे ना खर्च किया करो मेरे लिए, इतनी चीजें ना लाया करो। आंटी सिद्धा को बुलाओ ना, आंटी सिद्धा भी इसमें भी अब तुम्हें चाहिए, एक तुम खुश नहीं होते चलाकू। ये देखें जी, अली का परफ्यूम आया है और ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, बच्चों के परफ्यूम अलहदा होते हैं। ये ऑफ पे ही लगाते हैं, मैंने पूरा साल इंतजार किया कि ये लोग ऑफ पे लगाएं, लेकिन जरा भी इन्होंने ऑफ पे ना लगाया। ठीक अली, अभी हम रखेंगे जब आपके वो दो पुराने, वैसे इसकी खुशबू सूंघ के देख लेते हैं। आय हाय क्या खुशबू है, आय हाय आय हाय, बड़ी अच्छी खुशबू है अली। अभी हमने नहाना है, अभी ना लगाना, फिर जाया हो जाएगा, फिर नहा के नए कपड़ों के ऊपर लगाएंगे। लेकिन ये अभी हमने अली ये यूज नहीं करना, अली के पास पहले भी परफ्यूम है माशाल्लाह, वो खत्म हो जाएंगे, मैं कोशिश में हूँ कि वो सारे खत्म हो जाए, तो फिर हम ये निकालें, इतना महंगा परफ्यूम है। सिद्रा हमारी मदद ही नहीं करती। अच्छा जी, ये इसमें ईमान, इसमें ये दोनों तुम्हारी जर्सियां। ईमान कह रही थी कि मम्मा मेरे पास कोई जर्सी नहीं है, तो मैंने कहा भाई ईमान की हम जर्सियां लेते हैं, और ये जर्सी मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, ये बड़ी अच्छी जर्सी है इसकी। ईमान ये शोल्डर के ऊपर ऐसे, मतलब ऐसे करके शोल्डर आएगा, ये देखा इस तरह से पकड़ते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे करके शोल्डर आएगा। सिद्रा आ जाओ भाई, ईमान की जर्सियां तय करनी है, सिद्रा तुम तय करते जाओ, ये इसमें अगले साल इंशाल्लाह पहननी है, और मैं दूसरी जर्सी भी दे, और सिद्रा ये मुझे फिर खोल के भी देनी है चीजें। तुम भी आ जाओ आसिया, आसिया तुम्हें पता है मैं अली के स्कूल में गई, अली के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी, जिस दिन तुमने बहाना बनाया कि मेरी अब्बू की तबीयत खराब है और मैंने घर जाना है, तो अली की टीचरों ने पूछा आसिया की तरह, आसिया की तरह। दिस इज योर नेक्स्ट स्वेटर, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट बहुत पसंद है, अच्छी है, प्यारी है आसिया, माशाल्लाह। ये मीडियम साइज है ईमान, ये भी सीधा उसी के साथ रख लो, ये अगले साल की है इंशाल्लाह। और ये जो खाली है ना, इसके ऊपर से वो घर का पता और एड्रेस वो जो होता है ना, वो फाड़ के फेंकने हैं। ठीक है, हाँ ये जी मैंने मंगवाया है, बड़ा ही इम्प्रेस होके, न्यूट्रोजीना, ये जी सेल पे लगा हुआ था, और न्यूट्रोजीना का सनब्लॉक है, और ये बहुत ही अच्छा है, और ये सेल पे मुझे मिला था, SPF 50 है, और इसलिए मैंने ले लिया कि कहीं मैं रह ही ना जाऊं इसके बगैर। ये तो हम सिद्रा उधर रखेंगे, ये जी न्यूट्रोजीना का सनब्लॉक है, ये बहुत ही अच्छा है, तो ये हमने सेल पे लिया है, ये अभी हम इस्तेमाल के लिए रख देंगे। और ये पता नहीं मैंने क्या मंगवाया है, इस डब्बे में से भी हम खोल के देख लेते हैं। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, आज हमारा सिद्रा इनको भी थोड़ा थोड़ा खोल, सिद्रा बल्कि तुम ये डब्बा खोलोगी और इसमें से दिखाओगी हमें, ये मुसर्रत मिसबा का है, मुसर्रत मिसबा। मुझे याद आ गया, ईमान ने रोना मचाया हुआ था कि मुझे बेस चाहिए, बेस चाहिए, मुसर्रत मिसबा की बेस बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा क्यों नहीं, मुसर्रत मिसबा, मिसबा हमारी अपनी पाकिस्तानी है, तो हम उनकी बेस क्यों ना लें, पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, और जब उनकी अच्छी चीजें हों, हालांकि हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे इस प्रमोशन के, लेकिन फिर भी हम प्रमोट करेंगे क्योंकि ये चीजें अच्छी हैं, अच्छे का बदला अच्छा ही मिलना चाहिए। तो ये है जी ईमान की मुसर्रत मिसबा की बेस। ईमान देखते हैं हम, ये तुम्हारे वाला कलर आया कि नहीं आया, तुम्हें याद है ईमान कौन सा मंगवाया था, आइवरी फेयर, हाँ ये फेयर, ईमान फेयर, ईमान फेयर लगाती है, तो हमने फेयर मंगवा लिया माशाल्लाह। चलो ये ईमान की बेस आ गई है, इसको भी हम इधर रख लेते हैं, अरे इसको लगाए ना तो बच्चे फेयर हो जाते हैं। हाँ हाँ अब आई असल चीज, आज वैसे मैंने फैटी चीज बहुत खाए हैं तो मेरा वजन भी बढ़ गया होगा, एक तो जब मैं खाने लगती हूँ तो फिर मुझे नजर नहीं आता कि एल्स गेल्स क्या है। हाँ हाँ ये मेरी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है ना, डॉट तो नहीं है ऐसे चकोर चकोर, तुम्हारा है आओ तुम्हें पहनाऊं।
अब तू नहीं पहननी अभी, सारा दिन यही पहन के रखना, पक्के रहना। अच्छा बाजू डालो, इस बाजू को पकड़ने की जरूरत नहीं है, ये हाफ बाजू वाली है क्योंकि अब गर्मियां आ रही है। चलो भाई ये देखें जी ऑडियंस, ये एक आ गया है, कौन होता है वो जो मिजारों पे फिर रहे होते हैं। चलो बैठ जाओ। इस डब्बे में भी कुछ खास चीजें आई हैं। अरे ये तो बहुत भारी है, और ये आया है nahid.pk से, हमें दिखाती है। अच्छा जी इसमें से क्या आया है, और ये पहले हम दिखाइए जी, आया है बीच ट्री से। बीच ट्री भी एक बहुत अच्छा ब्रांड है, और ये दोनों ईमान की है। ईमान अब माशाल्लाह तुम्हें मेरा थैंक यू बोलना चाहिए था, अली अली वेट करो कि मम्मा ने माशाल्लाह, नहीं ईमान ये मेरी आई है। ये मेरी आई है, ये कितनी अच्छी ईमान, चमक चमक शाइन शाइन नजर आ रही है ना। ये ब्लैक है, और इसमें क्लोजअप दो, क्लोजअप तुम्हें शाइन नजर आएगी। अब आइए नजर, है ना ये शाइन करती है, और ये हल्की सी है देखो, बिल्कुल पतली सी है, जैसे आपकी सर्दियां जा रही हो ना तो आप पहन ले। लाओ अली ये मैं तुम्हारा उतार दूं, वैसे तो ये अली के परफ्यूम के साथ मैच हो गया। ये भी हाथ भी अंदर से ले गए हैं, हाथों की सर्दी है। और ईमान ये मुझे लगता है कि पिंक वाली मैंने तुम्हारी ली थी, तुम्हारी थोड़ी फंकी फंकी ली थी, और अपनी जो ली थी ना वो मैंने वो दूसरी ली थी। ये दिखाएं जी, नहीं जी ईमान जी ये भी मेरा है, ये मेरे हैं ईमान, चलो रहने दो, तुम्हारा कुछ नहीं आया इसमें, ये मेरी चीजें आई हैं इसमें ईमान, आई प्रॉमिस इसमें तुम्हारी आई है। अली वो ब्लू वाली दिखाओ, मैंने कुछ तो ईमान के लिए मंगवाया है। हाँ ये ईमान का है, ये मीडियम है, क्योंकि ये स्टाइल वाली चीज है ईमान। इसके बाजू देखे है ना, इसके बाजू ऐसे है ईमान, इसके बाजू ऐसे है, और ये इसकी ऐसे करके नेक है, और ये कटे हुए बाजू है ईमान। इधर से तुम्हारा शोल्डर वैसे थोड़ा सा नजर आ सकता है, लेकिन जाहिर है नीचे कमीज होगी। सिद्धा अच्छी है ना माशाल्लाह, ये इसकी ईमान की तरह करके रात को। भाई अल्लाह ये क्या आया है इतना बड़ा, ये मेरी आई है क्योंकि मुझे चाहिए थी आगे से खुले वाली बटनों वाली। अली का सर गायब हो गया बच्चों, अब अली का ऑपरेशन कराना पड़ेगा सर का, सर निकालने के लिए। ये अच्छी है ना ईमान, है ना, इसके आगे बटन है। ये मैंने बटनों वाली अपने लिए मंगवाई, क्योंकि बटनों वाली चलो कुछ मैंने भी तो मंगवाना था। अच्छी बात है ना, मेरी भी चीजें आ गई। सिद्रा टीसीएस हमारे खत्म हो गए हैं, तो इसमें से ये कौन खोलेगा? सिद्रा ये हमारे लिए दो स्प्रे आए हैं सफाइयों के लिए, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम सफाई के लिए कोई चीज ना मंगवाए। और ये जी दो आए हमारे कॉटन पैड्स, ये जब आप अपने मुंह से मेकअप को उतारने लगते हैं या नेल पॉलिश रिमूव करने लगते हैं नेल पॉलिश रिमूवर से, तो ये बने बनाए कॉटन पैड्स होते हैं, ये वो आए हैं। और ये जी हमारी जो आखिरी चीज है ये देख लें, और हमारे कुछ टीसीएस अभी आने बाकी हैं, तो वो अल्लाह खैर करेगा जब आ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। मुझे लगता है आपको माशाल्लाह ये सारी हमारी शॉपिंग पसंद आई होगी। अब हम ईमान से फरमाइश करते हैं कि ईमान एक जर्सी पहन के पहनते, इधर दिखाओ तो सही। तो ईमान का दिल करता है कि शर्ट के ऊपर ना पहने। सिद्रा ये दिखाओ ये कौन सा आया है, इसका मुंह दिखाना है, इसके ऊपर तस्वीर कौन सी बनी हुई है। हाँ ये चूल्हे साफ करने वाला है, जरी को देंगे लेकिन अभी नहीं देना, पुराने वाला जरा खत्म हो जाए। ईमान ब्लू वाली भी पहन के दिखाओ, अभी फिलहाल तो शर्ट के ऊपर ही पहनो ना, शर्ट के ऊपर ही पहनो। हाँ ईमान ये सेकंड वाली स्वेटर है, देखो ना इसके नीचे शर्ट होगी ताकि आपके ये कंधे ना नजर आए। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो वो देखें जी वो इतना कुछ बाहर, ओए होए होए, ये तो बकरा ईद के लिए मेरे ख्याल तैयारियां हो रही हैं, अभी तो बकरा ईद दूर है ना। अली ईमान की तीन निकल आई है, और मेरी चार जर्सियां निकल आई है, मैं सोच रही थी ईमान की ज्यादा है, और अली की तो कोई जर्सी नहीं आई भाई। अली कहीं हमने तुम्हें रस्तर से तो नहीं उठाया था, अडॉप्ट तो नहीं किया था? सही बताना अली, तुम्हें कैसे पता है शायद हमने तुम्हें अडॉप्ट किया हो? कन्फर्म करो, प्रूफ दो, शक्ल दिखाओ, भला मिलती है मेरे साथ? ऐसे मेरा बच्चा लगता है सिद्रा? ये मेरा बच्चा बिल्कुल, मेरा तो मुंह गोल है और मोटा है, और ये तो पतला है। जरी आसिया कहाँ है? जरी ये ईमान का सूट आया है जी। बहुत ही प्यारा, जरा सीधा करके दिखाइएगा आसिया, ये ले माशाल्लाह माशाल्लाह, वो वाला है स्प्रिंग का। हाँ स्प्रिंग का, जरा इधर इसका मुंह तो करे, जरा ऑडियंस को दिखाए स्प्रिंग। हाँ देखे कितना अच्छा है ना। हाँ ये वैसे आया खुला है लेकिन खुले खुलों का रवाज है। ये जरी ईमान का इस्त्री करना है, ये ईमान आज पहनेगी, और ये इसका ट्राउजर है। ये जरा खोले, एक ऐसे खुद ही ले ले, एक थोड़ा सा टूटा हुआ और एक ज्यादा टूटा हुआ नहीं है। अच्छा। एक आप ले लें, एक आसिया को दे दें। आसिया इधर आओ जरा, ये एक पठानी ने मुझे गिफ्ट किया था, मेरी बहुत ही प्यारी मरीज थी। अच्छा। एक दिन वो पहन के आई तो मैंने कहा कि तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है, फिर उसने मुझे गिफ्ट किया, फिर मैंने एक एक दफा पहना है। माशाल्लाह इसको गले में भी पहन सकते हैं, और मैंने तो माथे पे लगाया था। जरा लगाओ भला आसिया, जरा लगा के दिखाओ, माथे पे लगाना, फ्रंट पे लगाते हैं। हाँ कितना अच्छा लग रहा है आसिया, सही हीरोइन लग रहा है। जरा आप ही लगाएं, बाजी को प्यारा लगेगा। कितनी अच्छी
अच्छी लग रही है, वाह बिल्कुल पठानी। ये ना मैंने माथे पे लगाया था, फिर वो इतने फंक्शन आते हैं ना तो मैं जाती भी नहीं हूँ, तो फिर मैंने कहा कोई तो पहन ले। कितना खूबसूरत है ना ये गले और माथे दोनों के लिए। पठानियां जो है ना वो माथे पे पहनती हैं। अली अच्छा है, आओ हम बाहर जाएं। कह रहा कि हमने गोल्फ खेलनी है, ये गोल्फ वाली ले आओ स्टिकें, आ जाओ गोल्फ खेलें, कम कम। और हम जा रहे हैं बाहर गोल्फ खेलने के लिए। अली को आजकल गोल्फ पसंद है, गोल्फ टूटे हुए दांत वाला बच्चा। चलो दिखाओ, चलो चलो बहुत अच्छे लग रहे हो, मुंह धोया नहीं है। चले जी चले हम बाहर जा रहे हैं। और ये दो छुट्टियां करने के बाद आया एक बाशिंदा रिशान, गाड़ियां धो रहा है, गाड़ियां गाड़ियां धुल रही हैं हमारी, इसके बाद मेरी गाड़ी धुलेगी। ये जी हमारा लॉन जहाँ पर हम आए, और ये जी माशाल्लाह खुला लॉन। अली यहाँ पे गोल्फ खेलेंगे। कैक्टस कितना प्यारा है। नहीं ये तो वो वाली बॉल नहीं है जो इसके कांटों से फिस जाएगी। ये देखो वैसे कितना खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने इसको कितना प्यारा बनाया है ना, इसके अंदर कितने हजारों लाखों कांटे होंगे। ओए होए होए कितना खूबसूरत है। फिर गेम एक्सप्लेन करो, बॉल को छुपा दोगे और मैं ढूंढूंगी? हाँ। तुम भाई कहाँ कहाँ छुपाओगे पहले मुझे बताओ, तब ढूंढूंगी। थोड़े से ऑप्शन दो। नहीं यहाँ भी छुपा सकता हूँ। यहाँ पे भी छुपा सकते हो? हाँ। अच्छा ठीक है, और कहाँ छुपा सकते हो? यहाँ पे भी कहीं भी छुपा दोगे और मैं लुर लुर जंगल से बॉल ढूंढूंगी। ये तुम्हारी गेम है। आप खैरियत से फिर रहे हैं? क्या हुआ है, खैरियत से फिर रहे हैं? अच्छा 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 मैंने कहा पता नहीं। अच्छा शुक्रिया, हाँ हाँ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। टिक टिक चलो छुपाओ छुपाओ, हमें आंखें बंद कर रही हूँ, सिर्फ कैमरे में नजर आ रहा है। कहाँ गया अली, कहाँ गया कहाँ गया? नहीं खोल रही नहीं खोल रही, सिर्फ कैमरे में नजर आ रहा है। थोड़ी थोड़ी चीटिंग तो मम्मा को करनी चाहिए ना। चलो छुपाओ छुपाओ, मैं नहीं देख रही मैं नहीं देख रही। पड़ता है कि बॉल इधर है कहीं, देखती हूँ मैं देखती हूँ, क्योंकि तुम यही। ये बॉल अली मिल गई। मैंने ऐसे फेंक दी थी। चलो अब उधर बैठ के उठा लो। ये मैंने बॉल छुपाई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बॉल पड़ी है, देखते हैं अली देखते हैं। अली अली आ जाओ ढूंढो ढूंढो आ जाओ, मैंने कहीं भी छुपाई होगी, अब ढूंढ के दिखाना। तुम्हें लग रहा है मैंने वहां छुपाई है, तो ढूंढ के दिखाओ ना, तब पता लगेगा। मैंने दूसरी जगह पे रखी हुई है। हाँ हाँ बताओ बताओ कहाँ छुपाई है, कहाँ पे है कहाँ पे है, कैसे पता लगा कैसे पता लगा? बड़े चलाक हो तुम, एक आंख से देख रहे थे, मुझे लग रहा है क्योंकि तुम वहीं जा रहे हो जहाँ पे मैंने रखी थी। अब तुम दवाई लेने के लिए आई हो, अब फिर वापस जाओगी? बड़ी फ्री हो तुम, बड़ा टाइम है तुम्हारे पास। अली चीटिंग कर रहा है सिद्रा, चीटिंग। ये जी हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई आए हैं, इनका नाम वारिस है, ये पूरी दुनिया में वारिस बन के घूमते हैं। यूनियन काउंसिल का एड्रेस पूछ रहे हैं। चलो आओ अली। अली ये चीटिंग किए बगैर नहीं मिल सकती थी, मुझे पता है कि तुमने चीटिंग की है। कोई टूथ फेरी नहीं आती अली, कोई टूथ फेरी नहीं आती। नहीं आई ना, नाउ यू आर हैप्पी ना, मैं फेंक दूं ना इसको। मैंने आपको बताया था कि हमारे इस्लाम में टूथ फेरी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? तो ये आखिरी दफा अपना प्यारा दांत देख लो अली, देख। सिद्रा जरा फिर इधर आना, ये मिठाई आई है, कोई देखते हैं कि इसके अंदर क्या आया है और किस तरह की मिठाई। ये ईमान आंटी सिद्रा खोलेंगी, आप अपनी चीज खोलो। ईमान ये आपकी बर्थडे का गिफ्ट है, अगले 5 सालों की बर्थडे का। नहीं आज बर्थडे नहीं है ये मेरा, मैं बस रेड था। हाँ लेकिन ये वो मैग्नेटिक है, देखो जरा, क्योंकि तुम्हारे वाला ये वाला जो है ना खराब, हाँ ये खराब हो गए। जरिए आप लोग बैठे हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखना है। अच्छा। हम वीडियो बना रहे हैं जरा। एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही, ये इतने पैसे खर्च करा के तो तुमने कोई एक्साइटमेंट ना दिखाई, हमारा दिल ही टूट गया। अच्छा देखो ये मैग्नेटिक वाला आया है ना, है ना? डिड यू लाइक इट? ओके देन पुट योर फोन इनसाइड दिस, फोन नहीं टैप। और सिद्रा इसमें देखें भाई क्या है क्या है, ये कोई स्पेशल किस्म की मिठाई है सिद्रा, और ये ईमान के बाबा को गिफ्ट मिली है और उन्होंने अपनी बेटी के लिए भेजी है, हमारे लिए तो कोई कोई चीज ना भेजे। हाँ ये इनके कवर्स हैं ईमान, ये आपने अलग रखने हैं, आपने संभाल के, और दिखाएं तो सही कि क्या गिफ्ट आया है। अरे वाह। हाँ खोलो खोलो। और ये कोई लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ देख रहा है डब्बो को, और इसका मूड काफी अपसेट है। अली अली
अली आपकी बर्थडे तो आने दो, अली बर्थडे तो आने दो। सिद्रा सिद्रा दिखाओ इसके अंदर से क्या निकला है। अरे वाह ये तो कोई अच्छी सी मिठाई है सिद्रा। वाह कितनी प्यारी लग रही है ईमान। ग्लिटर भी है। हाँ ग्लिटर भी है और ये बॉक्स कितना अच्छा है। इसकी ग्लिटर है। अच्छा मैं खोल रही हूँ। सिद्रा ये टोकरी वॉश करके रखना अच्छा। और ये किसी टोंगे में रख दो क्योंकि अभी के काम आ जाएगी ठीक है। और वो वाला पैकेट तुम लोग ले लो। आहा ये खुला जी मोबाइल। हाँ जी देखो जरा शक्ल तो दिखाओ इसकी स्क्रीन कैसी है। हाँ इसका ग्लास प्रोटेक्टर भी शाम को लगवाएंगे इंशाल्लाह वो भी इसके अंदर आया होगा है ना ईमान। ईमान का टैब भी माशाल्लाह अच्छा हो गया है। और मोबाइल कहाँ है दिखाओ। अच्छा ये ऑन हो रहा है। हाँ क्वालिटी तो ईमान अच्छी लग रही है ना। चलो भाई ईमान की को हैप्पी बर्थडे हम कहेंगे अगले महीने और गिफ्ट इससे ले लिया। ईमान आर यू हैप्पी। शक्ल तो कोई नहीं नजर आई हमें हैप्पी शक्ल। स्वीट 16 I love this song. अब हो गई है। हेलो यूट्यूब चैनल। हाँ रात हो गई है। रात हो गई अली। हाँ। मम्मा सच बोल रही है। हाँ। ये झूठ बोल रही है। सच। बच्चे तो हमेशा सच ही बोलते हैं फिर हम ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि आज हाँ। रात हो गई है क्योंकि टीवी पे तो टीवी पे तो एक्टिंग भी होती है। बच्चियों के रिश्ते करने से पहले आप अव्वल तो अपनी बच्चियों को अपनी मजबूरी ना समझें अपनी कमजोरी ना समझें। बच्चियों को शुरू से ही जब वो होश संभालने लगें जैसे वो 6-7 साल की हों उनको सेंस ऑफ ऑनमेंट दें कि हम आपको ऑन करते हैं हम आपके पहले रिश्तेदार हैं और खुशी और गम के साथी हैं। और मुझे लगता है कि जो आपका घरेलू रवैया है जैसे अगर आपके 4 या 5 बच्चे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप अपने उन 4 बच्चों के साथ वो वफादारी कर सकते हैं जो आप अपने 2 बच्चों के साथ करेंगे। और जो ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे हैं ख़ास तौर पे जिनके अम्मी अबू हर वक्त लड़ाई करते रहते हैं ऊंचा बोलते हैं जिनके अबू उनकी अम्मी की इज्जत नहीं करते तो वो बच्चे बड़े होके कुछ गलत फैसलों में इन्वॉल्व हो जाते हैं एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं और वो प्यार की तलाश में निकल पड़ते हैं। फिर जब उनको वो प्यार मिल जाता है जो कि आपको पता है कि मैं किस प्यार की बात कर रही हूँ तो वो समझते हैं कि अब तो पहाड़ ही जल जाएंगे कश्तियाँ भी जल जाएंगी अब तो हम वो पीछे भी छोड़ सकते हैं अम्मी अबू हर वक्त लड़ते रहते हैं इनको भी छोड़ सकते हैं घर का माहौल टॉक्सिक है और अब हम शादी करेंगे और सुखी रहेंगे। वो लड़का भी सुख की तलाश में शादी कर लेता है प्यार चलो उसको होता है और वो लड़की भी सुख की तलाश में शादी कर लेती है और वो शादी आपको पता है कि मैक्सिमम शादियां कामयाब नहीं होती। जिस शादी में उस लड़के के अम्मी अबू या लड़की के अम्मी अबू साथ नहीं होंगे उनकी दुआएं नहीं होंगी तो वो लड़की खुद भी ये एक हमारा मेंटल लेवल है ना कि अगर हमारे अम्मी अबू और साथ वाले हमसे खुश हैं तो हम खुश होते हैं तो वो लड़की अंदर से भी खुश नहीं होगी लड़का भी और उनकी शादी जो होगी वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। तो नतीजतन ये नतीजा निकला है अपनी बच्चियों को ऑन करें बच्चियों को प्यार करें उन्हें कहें आओ ईमान मेरी बेटी मेरी शहजादी प्यार करो उनको बोसा दें उनके सर पे हाथ रखें और उनके पास बैठें। माँ को चाहिए बच्ची का हाथ पकड़े बच्ची के सर पे हाथ रखे उनको उनको प्यार वाला टच दें खुद दें उनको प्यार वाला टच और अल्लाह ताला हम सब प्रेम करें हमारी बच्चियों की अच्छी किस्मतें करें। रिश्ता करने से पहले पहले 1 महीना जाके 15 दिन जाके 7 दिन जाके वहाँ पे देखें कि घर का माहौल कैसा है वो लड़का कैसा है आपकी बच्ची के साथ अच्छा सलूक करेगा नहीं करेगा रह पाएगा नहीं पाएगा लड़के के अंदर एहसास जिम्मेदारी है नहीं है शादी जिम्मेदारी का नाम है प्यार बाद में आता है पहले जिम्मेदारियाँ पूरी करनी होती है और उन जिम्मेदारियाँ पूरी करने से प्यार ज्यादा बढ़ जाता है। थैंक यू अगर आपको मेरी बातें समझ आई हूँ तो प्लीज चैनल को अली क्या करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अली के टूटे हुए दांतों को इग्नोर करें। ईमान कहती है टीथलेस। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।